हरियाणा में अनलॉक के तहत स्कूलों को खोल दिया गया है। कोरोना को लेकर स्कूलों को सरकार ने बंद करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि अनलॉक 5 के तहत आज से रादौर में स्कूलों को खोला गया है। हालांकि अभी स्कूलों को केवल परामर्श के तौर पर खोला गया है, जहां पर बच्चे अपने टीचरों से अपनी शिक्षा संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। रादौर सरकारी स्कूल में भी आज बच्चे स्कूल में पहुंचे, जहां पर टीचरों द्वारा बच्चों को उनके प्रश्नों से संबंधित जानकारी दी गई। स्कूल की हिंदी प्राध्यापिका शीतल पांडे ने बताया कि आज से परामर्श के तौर पर स्कूल खोले गए हैं। बच्चों की कक्षा में एंट्री से पहले उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। उन्होंने कहा कि पहले दिन संख्या जरूर कम थी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। रादौर से संवाददाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। सर, आज शिक्षा विभाग ने जो बच्चों के समस्या के लिए, ठीक है, परामर्श हेतु अगर उनको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत आती है तो बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। बच्चों को बुलाने से पहले उनके अभिभावकों से अनुमति पत्र जो है वो हमने भरवाए हैं। उनकी अनुमति लेकर उन बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखा गया है। हर एक टीचर जो है संबंधित बच्चा जिसकी भी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर कर रहा है। बच्चे क्वेरीज कर रहे हैं, पेरेंट्स भी आए हैं, खुशी का माहौल है, पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं। अगर पॉजिटिव रिस्पांस रहा, धीरे धीरे आगे संख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे ये स्थिति सामान्य होती चली जाएगी। पहले दिन की अगर बात की जाए तो जी, संख्या कम थी आज की, कितनी? सर, संख्या तो कम थी, देखिए, क्योंकि अभिभावकों के मन में एक डर भी है। देखिए, आप सामान्य तो स्थिति अभी नहीं हम मान सकते, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि धीरे धीरे ही सही ये स्थिति निरंतर सामान्य होती चली जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।